बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीद राजा, आपके अपने शो प्ले ऑन में। नाज़रीन, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ने एक और जीत अपने नाम कर ली और इस जीत का करारा मज़ा ये था कि पहली दफ़ा पाकिस्तान मुसलसल 3 मैचेस अपने नाम कर चुका है वर्ल्ड कप के, और अल्लाह ताला आगे भी कामयाबी दे। कल एक कांटेदार मुकाबला देखने को मिला, तो उस कांटेदार मुकाबले के लिए आज हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं, आप सुनाए करिए। अल्लाह का शुक्र। कैसा एक मतलब एक मैच ऑलमोस्ट जा चुका था और एंड पे जाके जो हमारा आसिफ अली है, एक अच्छा मतलब एक परफॉर्मेंस पिछले मैच में भी दी, इस मैच में भी एंड पे जाके वो मैच खींच के वापस ले आए। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट इंटरव्यू में ये बात की थी कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान को लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान जो है इमर्जिंग टीम है, वो बहुत डेवलप करके आई है और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल, तो उसमें हमें कोई शक नहीं है कि उसमें जो है पाकिस्तान का भी बहुत एक बड़ा रोल है कि हमारे कोचेज ने उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। उसमें हम अगर बात करें इल्तिजाम उल हक की, उन्होंने भी उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, तो उनकी टीम काफ़ी डेवलप हुई है और उन्होंने हमें दिखाया है कि हम भी अच्छा खेल खेल सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर हम बात करें उनके टोटल की, तो शुरू में देखें बड़ी अर्ली ब्रेक थ्रू लिए हैं हमारे बॉलर्स ने, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। जब मैंने देखा 67 पे उनके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में आ चुका था, फिर एक पार्टनरशिप लगती है 6 विकेट पे और आप देखते हैं मैच आपसे दूर जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपने ये देखा है कि उनकी विकेट्स मुसलसल गिरती रही, लेकिन उनके जो छक्के हैं वो नहीं रुके, वो मुसलसल हिट करते रहे, अच्छी अच्छी एवरेज लेके जाते रहे। उनको ये टेंशन नहीं थी कि अगर ये आउट हो गए तो हमारी बैटिंग एंड तक, मोहम्मद नाबी तक उनकी सारी आपको पता है बैटिंग है ओवरऑल। और आप देखें एंड पे जो 6 नंबर पे भी आ रहे हैं ना, वो भी अच्छा हिट कर रहे हैं। एक्चुअली ये कि उनके पास जो है ना स्लॉगर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि आपको पता है छोटे फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्मेट में आपको स्लॉगर्स चाहिए होते हैं जो नीचे आके पावर हिटिंग करके आपको रन दे सकें, इसलिए उनको इस चीज़ की परेशानी नहीं थी क्योंकि बस हिटर मौजूद थे। आप देखें 6 बैट्समैन आउट हो चुके हैं, वहाँ पर एक पार्टनरशिप लगाते हैं, वो मोर देन 50 रन की पार्टनरशिप लगाकर वो अपना एक अच्छा टोटल सेट कर देते हैं। 147 वाज अ गुड टोटल ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रैक, तो वो उसको उन्होंने बड़ा अच्छा डिफेंड भी किया। लकीली अगर हम देखा जाए तो इन द एंड आसिफ अली प्लेड अ वेरी ग्रेट इनिंग, दैट इज द रिमार्केबल इनिंग, इवन इन द प्रीवियस मैच एज वेल अगेंस्ट न्यूजीलैंड ही प्लेड वेरी गुड इनिंग्स, and in that particular match it was like a miracle for us and playing and four sixes in a row in one over, four sixes. Bilkul, bilkul. And that was very good thing from. और एक मजे की बात ये है कि आसिफ अली ने अपने इंटरव्यू में ये बताया है कि जब लास्ट ओवर में शुएब मलिक के साथ उनकी कन्वर्सेशन हुई, तो उन्होंने शुएब भाई को यही कहा था कि नेक्स्ट ओवर में जब इस साइड से खेलेंगे तो ग्राउंड का साइज छोटा हो जाएगा, यानी उस साइड वो साइड छोटी होगी ग्राउंड की, और फिर एक ओवर में अगर 25 स्कोर भी होंगे वो बना लेंगे, और इतना कॉन्फिडेंट थे। और शुएब मलिक की खास बात ये थी, बीइंग सीनियर, वो जाते हुए उनको समझा के गए थे। एक जगह थोड़ी सी मिस्टेक भी होने लगी थी, शादाब से सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे जब आसिफ अली ने उनको रोक दिया और शादाब रन आउट होते हुए बच गए थे, और इस बात पे नाराज हो रहे थे। हालांकि शादाब को इस तरह का सिंगल नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आसिफ अली बहुत जबरदस्त फॉर्म में थे और उन्होंने माशाल्लाह ये प्रूव कर दिया कि वाकई वो मैच विनिंग प्लेयर हैं। आप ये देखें ना, आसिफ अली को खुद पे कितना एतमाद था, उन्हें यकीन था कि वो पाकिस्तान को ये मैच जरूर जितवाएंगे, और उन्होंने वो करके दिखाया। और ये बड़ी कमाल की बात है कि सिर्फ 7 बॉलें खेलकर उन्होंने 25 स्कोर लेकर और मैन ऑफ द मैच लिया है। आप ये देखें, बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आप सिंगल की बात करें, तो मुझे एक जो है T20 का जो पहला एडिशन था 2007 का, वो मुझे याद आया, इमरान नज़ीर उसमें बहुत ही कमाल के क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने सिर्फ 15 बॉल फेस की थी और 30 प्लस रन कर लिए थे। अनफॉर्चुनेटली ही गॉट रन आउट एंड ही वाज इंजर्ड एज वेल, वो जो है वो रनर के लिए कॉल भी करते कि मुझे रनर दिया जाए, लेकिन उस दौरान में रनर की इजाज़त नहीं होती थी, तो एक टाइट सिंगल लिया गया यूनस खान की तरफ से, जिसकी वजह से वो रन आउट हुए। ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो जिस तरीके से हिटिंग कर रहे थे कि पहले 12 ओवरों में T20 वर्ल्ड कप हम जीत जाते 2007 का, लेकिन क्रिकेट का गेम है। मिसबाह उल हक ने भी बड़ा कमाल खेला था, बहुत मैच ऑलमोस्ट हम हार चुके थे, लेकिन मिसबाह उल हक तभी वो मिसबाह उल हक फेमस हुए थे, और लेकिन लास्ट शॉट जो है ना हमें आज तक नहीं भूलती। बिल्कुल ऐसे ही है, और थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर आप उसमें देखें 2007 के, मिसबाह उल हक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उस टूर्नामेंट में, तो अनइवन एक बॉल उनसे सही से नहीं खेला गया, क्योंकि क्रिकेट में
क्योंकि बीइंग अ क्रिकेटर वी नो दैट आप प्री प्लान शॉट नहीं खेल सकते, जब भी आप प्री प्लान शॉट खेलेंगे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो अक्सर आपके अगेंस्ट जाएंगे। बिल्कुल, आसिफ अली पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और बिल्कुल अब आप देखेंगे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जिसे इज्जत दे माशाल्लाह उन्होंने एक देखे, एक सिचुएशन ऐसी थी कि हम दिल की धड़कनें तेज थी, 12 बॉलों पे 24 स्कोर चाहिए था और जिस तरह की बॉलिंग अफगानिस्तान करवा रहा था बहुत मुश्किल था, उससे पहले जब एक ओवर जिसमें सिर्फ 3 स्कोर है एक विकेट जाए तब तो सिचुएशन और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और ज़्यादा परेशानी होती है कि यार ये तो खेल भी नहीं पा रहे, किस तरह ये स्कोर पूरा करेंगे और वो भी 24 स्कोर है, 12 के एवरेज चाहिए, बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन उन्होंने आसिफ अली ने बताया कि ये वाकई एक ओवर का स्कोर है। हम सब लोग आसिफ अली को तनकीद का निशाना बना रहे थे लेकिन सिर्फ रमीज राजा थे जो के हमेशा से कहते आ रहे थे कि आसिफ अली ही है जो के अंडर प्रेशर खेल सकता है और उन्होंने बिल्कुल करके, और ये फैक्ट है कि उन्होंने 1% भी प्रेशर नहीं लिया, कहीं पे भी ये नहीं लग रहा था, ना डर होकर खेले, आपको किसी शॉट में ये फील हुआ कि वो प्रेशर में है? देखिए सबसे बड़ी चीज यही है, इट इज सेड दैट, वेरी वेल सेड दैट, you win only if you're not afraid to lose, and he was confident that I'm gonna win for my country and he did it. जब आपको कॉन्फिडेंस होता है तो बिल्कुल आपको सपोर्ट करती है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है और वो जब मैदान में उतरा था वो पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकालने के लिए उतरा था, इसी तरह अगर तमाम प्लेयर्स मिलकर परफॉर्मेंस करते रहे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए होगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह सेमी के लिए ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है क्योंकि इसके बाद नामीबिया और स्कॉटलैंड के साथ है और वो अभी नई टीमें हैं तो पाकिस्तान के लिए आसान होगा। जहां तक मुझे लगता है कि स्क्वाड में थोड़ा तब्दीली करनी चाहिए, हसन अली की जगह मोहम्मद वसीम को लाना चाहिए और अगर ये चाहें तो हैदर अली को भी ला सकते हैं जस्ट चेक करने के लिए किसी एक खिलाड़ी को, मतलब अब हम लोग सेफ हैंड पे हैं, बिल्कुल है, तो अब हमें चाहिए कि हम उनमें से किसी एक को चांस दें, जिससे हमने आसिफ अली को चांस दिया, उन्होंने वो करके दिखाया, बिल्कुल आसिफ अली तो पार्ट होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कि मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट के जितने भी शुएब मलिक हैं, हाफिज साहब हैं, वो सीनियर प्लेयर हैं तो हाफिज की जगह पे चांस दिया जा सकता है हैदर अली को और हसन अली की जगह पे वसीम जूनियर को देना चाहिए। उसकी रीजन ये कि एक तो थोड़ी सी उनकी फॉर्म भी ठीक नहीं चल रही, दूसरी बात ये कि अब ये जो मैच है इसी में तो हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं ना अपने उन बॉलर्स को, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए यही हमारी तैयारी होगी। देखिए हसन अली नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है लेकिन कल के अगर आप मैच में देखें तो पाकिस्तान 130-135 पे उनको रोक सकता था, 15 से 20 स्कोर ज्यादा बना था, हसन अली को थोड़ा सा जो है ना स्कोर ज्यादा पड़ा, एक ही ओवर में 20-21 स्कोर पड़ गया, 9 बॉलों पे कंट्रोल नहीं हो रहा हसन अली का जो कि बहुत जरूरी है। आप देखें कि उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन भी कर रहे हैं, वो बॉल में वो पेस वो कटर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो सम एक्सटेंड में समझ रहा हूँ कि जिस एनर्जी से उन्हें बॉलिंग करनी चाहिए उस एनर्जी से वो बॉलिंग कर नहीं रहे और एक्स्ट्रा स्कोर पे भी कंट्रोल करना चाहिए, जिस तरह वो नो बॉल हर मैच में उनकी एक या दो नो बॉल होती है, नो डाउट वो नो बॉल पे जो फ्री हिट है उसमें उनको फायदा नहीं उठाने देते और उसमें थोड़ा कॉन्शियस होकर बॉल कराते हैं, ये एक अच्छी पॉजिटिव बात भी है हसन अली की कि जितनी भी नो बॉल दी हैं अभी तक उनको कोई भी फायदा नहीं उठाने दिया। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको कैसा फील हो रहा है कि आईसीसी टी20 रैंकिंग में पाकिस्तान ने इंडिया की जगह छीन ली है, दूसरे नंबर पर आ गए, कैसा फील करते हैं आप लोग? ऑब्वियसली देखें बीइंग पाकिस्तानी इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि इतनी जबरदस्त आगाज अभी तक नहीं मिला। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी ये बात की, अहमद शहजाद ने, कामरान अकमल ने भी ये बात की कि इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह का आगाज दिया गया है तो इस तरह का आगाज अभी तक किसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जानिब से इस तरह का नहीं देखा गया, बिल्कुल तो ये बहुत ही कमाल का आगाज, थ्रू आउट मजबूत टीम लग रही है, अभी आगे के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह ये बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से खेलेंगे। देखिए ऑल दो जो कल के मैच की अगर बात करें तो ऑल दो जो वेस्टर्न ये जो अफगानिस्तान है ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, आप देखिए कितनी खूबसूरती से उनके स्पिनर्स को पाकिस्तान ने खेला, आप ये देखिए ये जो इनके स्पिनर्स हैं वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, ठीक है, तो इनको इतने अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया, इतने अच्छे तरीके से पाकिस्तानी टीम ने उसको खेला और उसके बावजूद इतने मुश्किल में गए लेकिन उससे भी आसानी के हमारे पास हल मौजूद थे आसिफ अली की शक्ल में। सर जब शुएब मलिक और बाबर आजम के आउट होने के बाद, ठीक है, तो क्या आप हार्ट बीट तो हम सबकी फास्ट हो चुकी थी, तो क्या आप लोगों का एतमाद था आसिफ अली पे? देखें मैं जब मैच देख रहा था
और जब 12 बालों पे 24 थे तो मेरे माइंड में एक ही थे कि यार 12 बालों पे दो सिर्फ छक्के भी लग जाए ना पाकिस्तान जीत सकता है, क्योंकि दो छक्के लगने से बाकी वो 12 स्कोर माइनस होके 10 बालों पे 12 स्कोर, 10 बालों पे 12 कोई मुश्किल नहीं है T20 में। तो मैंने कहा किसी भी पॉइंट पे दो छक्के लग गए ना तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है, तो उसी वक्त वो दो नहीं चार छक्के लग गए। सर और मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अब हर मरतबा तो आके हमें नहीं जितवाएगा आसिफ अली, मतलब अब हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में अल्लाह ना करे कि वो अच्छा ना खेले, तो क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई और स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए कि वो इन तक आने की नौबत ही ना आ जाए? देखिए जो हमारे पास ओपनर है उसमें नो डाउट तो दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन है, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, बैटिंग लाइन हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं हमारे पास मोहम्मद हफीज़ हैं, शुएब मलिक हैं, आसिफ को तो हमने पावर रेटिंग के लिए रखा हुआ है कि कहीं हमें अगर पावर रेटिंग की जरूरत पड़ती है तो हम उनको अब यानी थोड़ा ऊपर भी ला सकते हैं। फखर माशाल्लाह बहुत अच्छी चॉइस है हमारे पास, फखर हमारे पास है, वो अब जो हमारा जो वो बैटिंग का जो स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा हो चुका हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन हमारे पास बहुत अच्छे हैं, तो मिडल ऑर्डर में भी हमें जो प्रॉब्लम रहता था वो अब हल हो चुका है। आसिफ अली जो है हमारे पास वो एक अच्छे हार्ड हिटर की शक्ल में हमारे पास मौजूद है और ये हमारे पास हमेशा खला रहती थी शायद अफरीदी के जाने के बाद, तो ये खला जो है खूबसूरती से वो उसको फिल कर रहे हैं और हमारी दुआ है कि वो अच्छी जैसे उनकी फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि क्रिकेट में होती है फॉर्म की बात। अब आप देखें हसन अली हैज गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, वी बिलीव इन दैट, तो उसने चैंपियन ट्रॉफी में आपको दिखाया, लेकिन इस वक्त उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, इस वक्त उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, इस वक्त इस टाइम फॉर्म लगी हुई है रिजवान की, बाबर आजम की और आसिफ अली की, और वो परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। तो फॉर्म का बहुत क्रिकेट में बहुत मैटर करती है बात कि आपकी फॉर्म लगी हुई है, आप कोई भी शॉट खेलते हैं वो अकॉर्डिंग टू योर विश लग रहा होता है, फॉर्म नहीं लगी हुई तो आप अच्छा शॉट भी खेल होते हैं आप आउट हो जाते हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र ये है कि आसिफ अली फॉर्म में है, बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत ही खुशाइन बात है। और देखिये आसिफ अली बहुत ज्यादा दफा उनको चांस दिया गया, बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्स पे उनको लेके जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से वो इंटरनेशनल टूर्स पे वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते थे जिस तरह वो PSL में परफॉर्म करते थे। ऑल दो वो बहुत अच्छे हिटर हैं, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 6 उनके हैं PSL में, और लेकिन वो जो इंटरनेशनल लेवल पे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे या उनकी बैड लक चल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के वर्ल्ड कप में वो फॉर्म में और हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। बहुत सारे मैचेस देखें, ये मैच ऐसा था कल का कि ऑलमोस्ट फंस चुका था, उस मैच को निकालना इसी तरह के प्लेयर शाहिद अफरीदी के बाद जो हमें प्लेयर मिला ये बहुत अच्छा हार्ड हिटर है। सर अगर हम अफगानिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं तो उस लिहाज से अफगानिस्तान बेस्ट रहा है क्योंकि अफगानिस्तान ने हमारे 5 प्लेयर्स को आउट किया और उन्होंने टफ टाइम भी दिया, टफ टाइम दिया और वो खेले, उन्होंने लड़के दिखाया कि असल मैच खेलना किसे कहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया की टीम के बारे में? कि इंडिया की टीम नो डाउट बहुत अच्छी है, उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, बात यह है कि जब हम इंडिया के खिलाफ खेल रहे होते हैं तो हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर खेलते हैं, हमें पता है हमने यहाँ पर किसी किस्म की गुंजाइश नहीं दी, गलती की गुंजाइश, हमने किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं छोड़नी, क्योंकि हमारी आवाम कहती है कि आप इंडिया से जीत जाएं बाकी मैचेस की खैर है, हमें उसकी कोई परवाह। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट शायद इनकी ये भी स्ट्रेटजी हो कि थोड़ा रन रेट बेहतर किया जाए पाकिस्तान का, क्योंकि थोड़ा कम मार्जिन वो था टारगेट था, तो इन्होंने स्टार्ट में ही जैसे आपको बाबर आजम की जो शॉट है वो शायद उस वक्त जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अच्छी शॉट खेली थी जो जाके छक्के पे कैच हुआ, तो थोड़ा सा कंट्रोल में रखना था, रिजवान की मोहम्मद रिजवान की जो शॉट थी तो थोड़ा कंट्रोल रह के ये खेलते तो बहुत अच्छा खेल सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं पाकिस्तान मैच जीत गया ये सबसे खुशाइन बात है। असल में जो मैं समझ रहा हूँ शायद उनके दरमियान जब भी ओपनिंग जाती है तो उनके दरमियान एक ये पहले डिस्कस किया जाता है, एक बंदा जो है वो हिटिंग करेगा, एक बंदा जो है वो स्ट्राइक रोटेट करेगा, ताकि एक बंदे ने जो है सिर्फ चलाना है स्ट्राइक को, दूसरे बंदे ने अपना बेनिफिट लेना है, उसका फायदा उठाना है, और वो पहले ओवर के बाद वो डिसाइड कर लेते हैं, जब बॉल आ रहा है मिडल पे हो रहा है तो वो बैट्समैन उसको कह देता है भाई मेरे मिडल पे मेरा बॉल बिल्कुल सही बल्ले पे आ रहा है तो मैं हिट करने में जा रहा हूँ, आपने स्ट्राइक रोटेट किया। और एक दूसरी चीज ये भी थी कि एक साइड जो बाउंड्री थी वो छोटी थी दूसरी साइड की बड़ी थी, तो ये वाला फैक्टर भी मिलता था, वो उसी वक्त हिटिंग करते थे जब छोटी बाउंड्री होती थी, तब वो कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा इस ओवर में स्कोर बनाएं, तभी वो किसी ओवर में बिल्कुल 2 या 3 स्कोर बनाते थे, उस ओवर को किसी ना किसी तरह गुजारते थे। सर बेन स्टॉक्स ने ट्वीट किया है, उन्होंने बोला है कि रिमेंबर द नेम आसिफ अली, और उन्होंने साथ में एक क्वेश्चन मार्क भी लिखा है कि आप फाइनल में इंग्लैंड और पाकिस्तान को देखते हैं?
जी बिल्कुल ऐसा ही है कि लेकिन मैं इसमें एक बात मजीद ऐड करना चाहूंगा, बेल स्टॉक ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया क्योंकि ही माइट बी थिंकिंग दैट द रिवेंज ऑफ माइन हैज बीन टेकन बाय आसिफ अली, बट इट वाज नॉट अ वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज नहीं थी, लेकिन कई लोगों ने ये बात की थी, रिमेंबर द नेम इट्स कार्लो ब्रैथवेट, तो जब चार छक्के लगाए थे उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में, तो बेन स्टोक ने इसलिए ट्वीट किया कि बाकियों को बताने के लिए कि मैं ही नहीं चार छक्के खाए, बाकी लोग भी खा सकते और बाकी लोग भी मार सकते हैं, आप उनके नाम भी याद रखें, उनको भी मत भूलें। तो दूसरी बात मैं ये करूंगा डॉक्टर साहब कि जो यूएई के जो ट्रैक्स है ना, यूएई हमारा सेकेंड होम है अगर आप क्रिकेट की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है हमारे। हाँ जी, हमने सबसे ज्यादा मैचेस वहाँ खेले हैं और हमने ज्यादातर टूर्स जो है, क्योंकि पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली बैन किया गया था तो ज्यादातर मैचेस हमने वहीं होस्ट किए हैं, तो हमारा ये बनता भी है कि हम वहां से वर्ल्ड कप लिफ्ट करके आए। अच्छा, कल के मैच में मैंने एक चीज देखी है कि अफगानिस्तान ने टॉस जीत कर पाकिस्तान के हक में, मतलब वो किया है कि पाकिस्तान को बॉलिंग देने का फैसला किया है, ये क्या उनका डिसीजन ठीक था? जी एक्चुअली उन्होंने ये सोचा कि जो स्पिनर्स होते हैं स्पेशली, उनको जो है वो अक्सर जो है ओस जो पड़ रही होती है, क्योंकि राशिद खान का ये कहना है कि वो जो ड्यू वाली बॉल होती है उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग करा सकते हैं, वो कर लेते हैं, देखिए ये भी आर्ट की बात है, वरना अक्सर स्पिनर्स को प्रॉब्लम होता है जब इस तरह की कंडीशन। राशिद खान को ये बहुत लेट नहीं लाए, ये बात मैं अभी करने वाला था कि आपने कर दी, चले वो ये है कि उन्होंने देखा है कि हमारा जो बेस्ट बॉलर है उसके अलावा हम कितना इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, इस मैच को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, वो उनके लिए खतरनाक साबित हुआ और उनके लिए बड़ा बेहतरीन उनकी ये पॉलिसी थी, स्ट्रेटेजी उनकी ठीक रही है, सिवाय देखें अपार्ट फ्रॉम द सेकंड लास्ट ओवर। देखिए अगर वो राशिद खान को पहले लाते और विकेट्स अर्ली चली जाती तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकता था, जब पाकिस्तान 9-10 ओवर तक सिर्फ एक विकेट आउट थी और पाकिस्तान उसका 72 स्कोर ले गया, तो पाकिस्तान काफी हद तक मैच अपने हक में कर चुका था। अब जहां पर जो उन्होंने सोचा होगा वो क्या होगा कि अभी अर्लियर ओवर है, अभी वो हिट पे नहीं जा रहे, हमें चाहिए हम अपने जो ओवर है वो निकलवा लें, जो हमारा बेस्ट बॉलर है उसको हम साइड पे रखेंगे, जब वो हिटिंग के मूड में आएंगे हम अच्छा बॉलर लगा के उनके विकेट ले लेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया और उनकी ये स्ट्रेटेजी ठीक रही है। देखिए अपार्ट फ्रॉम द सेकंड लास्ट ओवर मैच हैज बीन इन देयर साइड एज वेल, बिल्कुल उनकी साइड पर भी रहा है, अगर आप देखें अगर वो सेकंड लास्ट ओवर ऐसा ओवर हो जाते जैसा कि उससे पिछला ओवर हुआ था थर्ड लास्ट नवीन का, अगर ये सेकंड लास्ट ओवर वैसा हो जाता तो मैच के रिजल्ट कुछ और हो सकते थे। 12 गेंदों पर जब 24 रन चाहिए थे तब तो सबके हार्ट बीट फास्ट थी, मतलब कुछ भी हो सकता। बिल्कुल, जहां पे स्पिनर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वहां हम नवीन की जरूर तारीफ करेंगे। अच्छा, उनके बॉलिंग स्टाइल को बुमराह से काफी तशबीह दी जा रही थी, बार बार कमेंटेटर भी इसके बारे में बात कर रहे थे, और उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी करवाई, नो डाउट, क्योंकि उनका जो एक्शन है वो ऑब्वियसली वो भी यूनिक एक्शन है, तो इस तरह के एक्शंस को रीड करना इट्स नॉट इजी फॉर द बैट्समैन स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग फर्स्ट टाइम, तो इस तरह के बॉलर को आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं तो आपके लिए काफी प्रॉब्लम होता है उसकी लाइन और लेंथ समझना, फिर उसने बहुत अच्छी वेरिएशन से बॉल की है, उसने यॉर्कर लेंथ की है, शेर मलिक उसने काफी डिस्टर्ब और काफी मतलब स्लो मतलब वो वैरायटीज भी डाली हैं एकदम से बॉल चेंज कर देना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आसिफ अली के अगेंस्ट ये कोई भी बात वेरिएशन करा पाते, क्योंकि आसिफ अली को एक ही बात पता थी कि बॉल को वो सामने छक्का है वहां पहुंचाना, वो बिल्कुल कैलकुलेटिव खेल रहे थे कि उन्होंने पहले माइंड में शुएब मलिक से ये बात की है कि वो साइड की जो बाउंड्री है वो 55 मीटर और 50-60 के राउंड अबाउट की है, तो उसमें हम इजीली एक अच्छा शॉट लगा के बाउंड्री ले सकते हैं, उसमें ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसने वेट किया। देखें क्रिकेट इज ऑल अबाउट वेटिंग एंड कंट्रोलिंग ओवर योर नर्व्स एंड शॉट सिलेक्शन, अगर आपकी शॉट सिलेक्शन अच्छी है आपको अच्छे रिजल्ट्स। और नर्व पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही नर्व पे कंट्रोल था जिसकी वजह से वो चार छक्के मार सके आसिफ अली, और बड़ा कॉन्फिडेंट थे उन्होंने पहले छक्के पे और दूसरे, आप देखे हर शॉट पे वो कितने कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने लगाई, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी इतनी बॉल्स बाकी हैं, इवन के लॉस्ट बॉल पे अगर वो चाहते तो सिंगल लेने का सोचते कि नेक्स्ट आवर में मैं फिर सामने आऊं और ये फिनिश करूं, लेकिन उन्होंने इसका भी मौका नहीं आने दिया और बहुत अच्छे तरीके से फिनिश किया। ही इज अ गुड फिनिशर इंडीड, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट कि उन्होंने द वे ही फिनिश द गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड द वे ही फिनिश द गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान दैट इज रिमार्केबल, and such performances are being expected from that kind of player. और बिल्कुल हमें यही परफॉर्मेंस इंशाल्लाह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी, अगर किसी के साथ भी सेमी आता है या फाइनल आता है, क्योंकि ज्यादातर चांसेस अब यही नजर आ रहे हैं जो हम ग्रुप ए की पोजीशन देखें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों टॉप पे हैं,
पाकिस्तान तीनों मैच जीतकर अपने ग्रुप में पहले नंबर पे हैं, लेकिन अभी तक अफगानिस्तान दूसरे नंबर पे है रन रेट की वजह से, लेकिन पॉइंट्स अभी दो हैं। हमारे ग्रुप में अभी मजीद मैचेस होने हैं, तो अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलता है तो हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के चांसेस ज़्यादा हैं कि इनमें से किसी टीम के साथ होगा। और उससे पहले दो मैचेस हैं नामीबिया और स्कॉटलैंड के साथ जो इजी होंगे क्वाइट। जी बिल्कुल, वो टीमें अभी इमर्ज कर रही हैं, तो पाकिस्तान का एक अच्छा जो है, अब वैसे भी उनकी जो फ्लो है, जो फॉर्म है, वो अच्छी हो चुकी है ऑलरेडी, तो नो डाउट इंशाल्लाह उनके खिलाफ अच्छा खेलेंगे और उनको एक्सपेरिमेंट्स एक दो कर लेने चाहिए। ताकि देखिए, अगर आप बात करें चैंपियन ट्रॉफी की, तो रुमान रईस को एक मैच में मौका मिला और उसने प्रूव किया। बड़े मैचों में जब आपको चांस मिलता है और आप बड़े फॉर्मेट में परफॉर्म करते हैं, तो उसका उससे जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है उसकी कोई और ही बात होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आज के अगर मैचेस की बात की जाए तो आज दो मैचेस हैं, दोनों ही ग्रुप ए के मैचेस हैं, जिसमें एक श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान है। दोनों टीमें एक एक मैच हार चुकी हैं और एक एक मैच जीत चुकी हैं। और दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला जैसे इंडिया और पाकिस्तान का होता है, दो एशीज के दरमियान है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान है। And that was being said by Nasir Khan as well, when he was doing commentary. तो वो कह रहा था कि the big match. बिल्कुल। और ये उनकी एशियज का जो डक्सअप मुकाबला होता है ना, वो इंडिया और पाकिस्तान वाला बिल्कुल बिल्कुल और बड़ा मजे का होता है। टेस्ट मैचेस में इतना क्राउड होता है जो हमारे इतने वनडे मैचेस में या टी20 में इतना नहीं देखने को मिलता, तो इतना उनके लिए यानी तो आज के मैच में भी आपको लगता है ग्राउंड क्राउड से फुल होगा ग्राउंड? जी, आज के मैच में भी आपको क्राउड बहुत अच्छा नजर आएगा और ये मैच भी बहुत मजे का होने वाला, मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि इस टाइम दोनों टॉप पे, इंग्लैंड की टीम भी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम तो आपको पता है कि वो एवर स्ट्रांग ही रही है और डोमिनेंट रही है क्रिकेट में, ऑल्दो कि टी20 में वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि वन लकी रहे हैं अब तक, अभी तक कोई टी20 कप नहीं उठाया जी। और इंग्लैंड भी देखें, लिफ्ट करते करते थोड़ा सा बस उनसे दूर था, कि जिस पर उन्होंने कहा रिमेंबर द नेम, इट्स कार्लो ब्रैथवेट। कार्लो ब्रैथवेट ने उनसे ट्रॉफी बड़े करीब से जो है छीन ली। बिल्कुल। रिकॉर्ड शेयर करना चाहूंगी जो कि शुएब मलिक ने बनाया है, 18 मैचेस जो कि ऐसे उन्होंने खेले हैं जिसमें वो नॉट आउट रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को यह मैच जितवाया और उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम कर दिया। नो डाउट कि शुएब मलिक बहुत सीनियर और बहुत ही समझदार अच्छे फिनिशर हैं, और वो हमेशा पाकिस्तान के लिए ये काम कर जाते हैं कि अच्छा फिनिश दे जाते हैं। और अगर आप देखें उनके तजुर्बे की बात करें, तो अब जो टीम में प्लेयर्स हैं ना, तो जब शुएब मलिक ने डेब्यू किया था तो वो प्लेयर शायद पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल। अब देखें शाहीन अफरीदी हैं और कुछ एक दो प्लेयर्स हैं, तो उनसे ही देखें इनका एक्सपीरियंस और इनकी एज, तो ये चीज़ें बड़ी इफेक्ट करती हैं कि आप इतने मैचेस खेले हुए हैं, हर फॉर्मेट पे खेले हुए हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। और 2007 के वर्ल्ड कप में जिस तरह से इन्होंने कैप्टेंसी की थी शुएब मलिक ने, दैट वॉज मार्वलस। बिल्कुल। और कल के मैच की सबसे मजे की बात ये थी कि कल के मैच में शाहिद अफरीदी वहाँ पर मौजूद थे, अपनी फैमिली के साथ मैच देख रहे थे, और बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी उनकी नज़र आ रही थी, और शाहिद अफरीदी के एंट्री पे पाकिस्तान का उस तरह मैच जीतना, बहुत सारे ट्वीट्स चल रहे थे, बहुत सारे मीम्स चल रहे थे कि शायद इंडिया का एक्टर ये मैच देखने को आया और वो इंडिया मैच हार गया, कहीं पाकिस्तान के साथ वो वाला काम ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ वो वाला काम नहीं हुआ और शाहिद अफरीदी का आना मुबारक हुआ और पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से वो मैच जीत लिया। और आपको मैं बताऊं कि इस मैच को भी बड़े लोगों ने देखा है, क्योंकि लोग जानते थे कि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है। बिल्कुल। इवन हमारे कॉलेज में, मुस्लिम कॉलेज में, उन्होंने प्रोजेक्टर मल्टीमीडिया लगाकर बच्चों को मैच दिखाया। बिल्कुल। बड़ा जोश खरोश नजर आया सर, लोगों ने, बच्चों ने बड़ा उसको सेलिब्रेट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा वर्ल्ड कप को पाकिस्तान की अवाम बहुत इंजॉय कर रही है। इंडिया का मैच अभी 6 दिन से दोबारा नहीं हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि कल इंडिया ने भी बड़ा एंजॉय किया होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। मैच इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि उन लोगों ने प्लान कर रखा था कि शायद हम मैच जीत जाएंगे और 6 दिन सेलिब्रेट करेंगे, 6 दिन सेलिब्रेट करेंगे, होने नहीं दिया। अब उनका मीडिया 6 दिन क्या कर रहा होगा? उनका मीडिया ऑब्वियसली वो मजबूर हो गया। देखें आपकी पाकिस्तान की अच्छी खासी तारीफें कर रहे हैं असल अपने प्रोग्राम्स में बैठ के। जी डॉक्टर साहब, देखें अगर आप असल तारीफ आपकी वही होती है जो आपका ओपोनेंट आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाए, और जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दिखाई है वो सब लोग मजबूर हुए हैं पाकिस्तान की तारीफ करने पर। और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुसलमान और पाकिस्तानी टीम में जो मुसलमान है उनका ईमान का जज्बा है,
किस तरीके से वो ग्राउंड में भी नमाज पढ़ते हैं और वो दुआएं करते हैं, पाकिस्तान की कौम उनके लिए दुआएं करती है, तो इस तरह के रिजल्ट्स भी उनको मिलते हैं। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि लास्ट ओवर में कोई हमें बेहतरीन स्ट्रेटजी यूज करनी होगी, जिस तरह हमने 17 ओवर जो कि हसन अली को दिया जो कि हमें बहुत महंगा पड़ा है, तो आपको क्या लगता है कि हमें हसन अली की जगह किसको ओवर देना चाहिए? लेकिन अगर हसन अली टीम में मौजूद हैं तो ऑब्वियसली वो एक सीनियर बॉलर हैं, क्योंकि आखिरी जो ओवर्स होते हैं उनमें आपको पता है कि बैट्समैन ने हिट लगाना ही लगाना। बिल्कुल, चाहे कोई भी है, अगर आप वेरिएशन ज्यादा करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा यानी बॉलर को मार पड़ सकती है, और जो हो भी रहा है उसके साथ, ठीक है, तो उसमें उनको बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं करनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ बॉलिंग करनी चाहिए, जो उनकी स्ट्रेंथ है स्विंग करते हैं वो उस पर करें, वो आउट स्विंग करते हैं आउट स्विंग करें, लाइन और लेंथ अपनी ठीक रखें उसमें। हारिस रऊफ माशाल्लाह डेथ ओवर में बहुत जबरदस्त साबित होते हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं जी, इसमें कोई शक। और उनका रिकॉर्ड है, उनका है T20 मोस्ट विकेट्स एट पॉइंट पे जो लेते हैं हारिस रऊफ ने, मतलब जो बॉल्स करवाई हैं 195 डॉट बॉल उन्होंने दी हैं 71 और विकेट्स उन्होंने लिए हैं 23। और अगर हम इसी तरह बांग्लादेश के जो के बॉलर हैं वो है मुस्तफिजुर रहमान, उन्होंने 158 बॉल्स पर मतलब उन्हें बॉल्स करवाई हैं जबकि उन्होंने डॉट्स दिए हैं 67, उन्होंने विकेट्स ली हैं 16। और उस थर्ड नंबर पर आते हैं शहीन शाह अफरीदी जिन्होंने बॉल्स करवाई हैं 152 और उन्होंने विकेट्स ली हैं 54 और सॉरी डॉट बॉल उन्होंने 54 दिए और विकेट्स ली हैं 11। तो माशाल्लाह यानी हमारे हमारे दोनों बॉलर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, शाहीन और हारिस रऊफ। हारिस रऊफ नो डाउट डेथ ओवर में बहुत अच्छा रहते हैं और शाहीन का कल आखिरी ओवर भी बहुत अच्छा गया। अगर आप देखें तो इंडिया के खिलाफ भी बहुत अच्छा उन्होंने ओवर किया था जब उन्होंने विराट कोहली को आउट किया। अपार्ट फ्रॉम द ओवर थ्रो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक वही गलती उन्होंने न्यूजीलैंड में की थी और वही गलती उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ की है कि उन्होंने जिस तरह खेला है और कैच आउट, वो पहले भी कैच आउट हुए और अफगानिस्तान में भी वो कैच आउट हुए, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें बेहतरीन कोई स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से बॉलर को कैसे हिट करना? एक्चुअली जिस नंबर पर वो आते हैं, जो मैच की डिमांड होती है, उसमें उस जगह पर जो बैट्समैन आता है वो उसी के अकॉर्डिंग खेल रहा होता है, और जब आपका स्ट्राइक रेट या रन रेट आपका बढ़ रहा होता है तो आप देखते हैं कि आपको हिट पे जाना पड़ता है। मतलब आपने कुछ बैट्समैन होते हैं, बहुत कम बैट्समैन होते हैं, जैसे आसिफ अली थे या शाहिद अफरीदी थे या इस तरह के कुछ और बैट्समैन हैं जो आते ही शॉट लगा सकते हैं, हर बैट्समैन ऐसा नहीं कर सकता। कुछ बैट्समैन को टाइम चाहिए होता है, वो पहले स्ट्राइक रोटेट करते हैं, विकेट पर खड़े होते हैं, को भी चाहिए थोड़ा टाइम ले। हाँ जी, उनको टाइम लेना पड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहने की उनको टाइम मिलता नहीं है, सिचुएशन पर वो आते हैं बहुत कम रहते होते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर है, तो होपफुली किसी मैच में वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगे, और बहुत अच्छा ये देखें कि वो बहुत अच्छा स्टार्ट भी बहुत अच्छा लेते हैं, और शुएब मलिक सीनियोरिटी की वजह से वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो कल एक बहुत मज़े की बात हम जिक्र करना भूल गए कि माशाल्लाह कप्तान बाबर आजम ने फिर एक दफ़ा 50 स्कोर किया, ऑल दो कम मतलब एक इकोनॉमिक रही, मतलब उन्होंने एक अच्छा स्कोर किया लेकिन बॉल ज्यादा यूज की, लेकिन आप ये देखिए वो डिमांड थी मैच की। जी मैं यही कहने वाला था, मैच अकॉर्डिंग टू मैच खेलना होता है आपको, अकॉर्डिंग टू रन रेट आपने अपनी गेम को लेकर चलना होता है। अब वो उन्होंने बिल्कुल अच्छी इनिंग खेली, अब देखें अगर उस वहां पर उनकी भी विकेट गिर जाती तो हमारे पास बहुत लेकर जाना मुश्किल बहुत मुश्किल हो गया था, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लेके गए। अब वो हिटिंग की तरफ आते, लेकिन एक बैड जो शॉट थी, जब आप देखें जब ज्यादा मिसिंग होती है ना तो प्रेशर बढ़ता है, उस प्रेशर में फिर आप जब शॉट खेलते हो तो आउट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और यही बाबर आजम के साथ हुआ कि वो एक प्रेशर बढ़ रहा था जब रन रेट इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो राशिद खान की तारीफ करना होगी, द वे ही बोल्ड इट वाज एक्सट्रीमली वेल, ब्रिलियंटली बोल्ड, बिल्कुल बहुत ही नाइस बॉलर है, बहुत ही अच्छी लाइन ऑफ से बॉल की है और उनको बड़ा टफ टाइम दिया है, और उनकी स्ट्रेटेजी जो थी उनको लेट लाने की वो ठीक रही है, क्योंकि उन्होंने मैच को अपनी तरफ कर लिया था बहुत हद तक। 12 गेंदे 24 रन ये आसान नहीं होता, हर बैट्समैन आगे इसको नहीं लेकर जा सकता, तो हमारी हिस्ट्री में भी अगर आप देखें इस तरह की तुरते हाल में हम अक्सर हमारी मैच के रिजल्ट अपोजिट ही रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हमें, और बाबर आजम की बड़ा अच्छा वेट किया, देखें वेट करते रहे, आखिरी उनकी बॉल थी राशिद खान की। अब वो ये चाह रहे थे कि राशिद खान ने जितना हमें तंग करना था कर लिया, एक शॉट ऐसी लगा दी जाए चौका या छक्का, ताकि उनको फील होता रहे कि जो मैंने स्पेल कराया उसका रिवेंज बाबर आजम ने मुझसे ले लिया। बट अनफॉर्चुनेटली एक अच्छी बॉल थी, अप्रिशिएट भी किया गया है।
उनकी विकेट गिरना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लेकिन ये पार्ट ऑफ गेम है, जाहिर सी बात है कि इस तरह अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और माशाल्लाह एक टीम वर्क देखने को मिला। पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी और बहुत कम स्कोरों पे उनको रिटेन किया था, आज तो आखिरी एक दो ओवर्स की वजह से इतना ज़्यादा टोटल हुआ था, वरना 130, 132 या 135 तक ये मैक्सिमम जाता। लेकिन कोई बात नहीं, ये गेम का हिस्सा होता है और इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ डिस्कस करके। इंशाल्लाह नाजरीन आप लोगों से फिर बात होगी और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा सब। एक बात मैं ऐड करता चाहूंगा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, उसमें ये कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। पहली बात तो ये, जब हम जीत जाते हैं तो हम सारी चीजें अपनी गलतियां भूल जाते हैं, तो हमें उनको याद रखना चाहिए लेकिन वो सारी चीजें भूल जाती है। अगेन मैं एक बात करना चाहूंगा कि हमारे मुल्तान में जो क्रिकेट के बारे में जो ग्राउंड्स हैं उनको बहुत ज्यादा वीरान किया जा रहा है, तो हमारी रिक्वेस्ट है हमारे अपने जो कोच हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं दाई चंगेजी साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छे इकदाम किया हुआ है, बहुत जबरदस्त नेट लगाया हुआ है और वो छोटे छोटे बच्चे आप आते हैं वहां पर आप देखें, मैंने देखा है वो 10 साल का बच्चा है वो भी बॉलिंग कर रहा है, उसको भी वो मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, यानी क्रिकेट को बहुत ही अच्छा लेकर चल रहे हैं। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी जैसे माशाल्लाह लेकर चल रहे हैं वो उसको फरोग करें ताकि हमारे स्पोर्ट्स को फरोग मिले और हमारे नौजवान जो है वो हेल्दी रहें और फिट रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए नाजरीन, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।